अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, मैं हूं नवाज खान, नवाज क्लिनिक से एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पेनाडोल सीएफ के बारे में बताने वाले हैं कि पेनाडोल सीएफ टेबलेट को हम क्यों यूज करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने पेनाडोल टेबलेट पे वीडियो अपलोड कर दी है। पेनाडोल टेबलेट वो जो कि सिंपल ही पेनाडोल था जिसमें सिर्फ पैरासिटामोल पाया जाता था, और पेनाडोल सीएफ टेबलेट जो है दोस्तों इसमें सिडोफ्रामिन, हाइड्रोक्लोराइड जो है ये शामिल है जो कि 60 mg में पाया जाता है। पैरासिटामोल इसमें 500 mg में पाया जाता है, और इसमें क्लोरोपिनामिन मिट्रेन है जो कि 4 mg इसमें वो भी पाया जाता है। दोस्तों, पेनाडोल टेबलेट को हम सिर्फ बुखार और दर्द वगैरह के लिए इस्तेमाल करते थे, जबकि बदन में दर्द हो या बुखार हो या दांत वगैरह में दर्द हो तो इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते थे। और पेनाडोल सीएफ को दोस्तों हम इसके अलावा बुखार के अलावा दर्द के अलावा हम इसको जुकाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जुकाम के अलावा हम इस गले की खारिश और गले की दर्द के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलर्जी के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस समय कहीं पे खारिश है, कहीं पे एलर्जी है, नाक से जो है पानी बह रहे हैं तो इसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जुकाम की वजह से या एलर्जी की वजह से आपके नाक से और आपके आंखों से पानी बह रही है तो इसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गले की खारिश और गले की दर्द के लिए भी दोस्तों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, पेनाडोल सीएफ टेबलेट जो है इसको आपने बुखार के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही इसके फवायद के इसको हम इन चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दर्द, दांत दर्द, जिस्म के दर्द और इस तरह जुकाम वगैरह के लिए और एलर्जी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये रही इसके फायदे। दोस्तों, इसका तरीके इस्तेमाल कि हम इसको डोजेज किस तरीके से लेंगे, इसको खुराक किस तरीके से करेंगे, इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो दोस्तों पेनाडोल सीएफ टेबलेट को हम दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम खाने के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके साइड इफेक्ट क्या है? दोस्तों, पेनाडोल सीएफ के इस्तेमाल से इसमें क्लोरोपिनामिन होती है, और इस तरीके से इसमें सिडोफ्रामिन, हाइड्रोक्लोराइड होते हैं, और इसके अलावा पैरासिटामोल इसमें पाया जाता है। तो दोस्तों, इस मेडिसिन के इस्तेमाल से ज्यादातर दोस्तों हम इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम नींद आ जाती है इस गोली की वजह से, ज्यादा या इसको 3 दिन में 3 बार इसका डोजेज फॉर्म होता है तो उसको इसके इस्तेमाल से नींद आता है, चक्कर आ जाता है दोस्तों, इंसान को चक्कर आता है, नींद आता है। इसके अलावा आपके पेट खराब हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, इसके साइड इफेक्ट है नाजी ओमेटिंग, मतलब आपको चक्कर आ सकता है और आपको उल्टी आ सकती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो सकता है इसके इस्तेमाल से दोस्तों, इसकी साइड इफेक्ट है। और दोस्तों, इससे नींद जो आती है तो ये इसमें सिडोफ्रामिन और ये चीजें शामिल होती है, तो इसकी वजह से इसमें नींद आपको आ सकती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खैर आए, कोई मसला नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अभी तक अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं। जितनी भी मल्टीनेशनल मेडिसिन पे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपको आसानी के साथ मिल सकेगी नोटिफिकेशन के जरिए। दोस्तों, इसके अलावा हमारे प्रोग्राम जो है इतवार के दिन 11 बजे से 12 बजे के दौरान हम लाइव आते हैं नवाज क्लिनिक से, आप लोगों के साथ बराह मुखातिब होते हैं, तो आप वहां पर भी हमारे इस प्रोग्राम को, लाइव प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा रही बात ये है कि हमारा व्हाट्सएप नंबर 03414252011 03-41-42-52-11 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज और वॉइस मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी, मजीद एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में फिर हाजिर होंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, एक नई वीडियो आने तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।